भाईजान सलमान खान जहां भी जाते हैं वहां पर परछाई बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं उनके बॉडीगार्ड शेरा। लगभग 25 सालों से शेरा सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं और सलमान खान के साथ उनके अच्छे रिश्ते भी बताए जाते हैं। साल 1995 में सलमान ने शेरा को नौकरी पर रखा था और हाल ही में खबर आई थी कि शेरा के बेटे टाइगर को सलमान खान जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। सलमान ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हीरो बनने लायक है। जैसे देखा जाए शेरा अब खुद भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि जहां जहां सलमान खान जाते हैं सलमान खान के साथ वो मीडिया के कैमरों में कैद हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में शेरा से जब सलमान खान को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं भाई के साथ रहूंगा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि वो मुझे कभी भी भाई के पीछे या बगल में खड़ा नहीं देखेंगे, बल्कि मैं भाई के सामने रहता हूं ताकि उन पर कोई आंच ना आ पाए। खैर, बॉडीगार्ड शेरा सलमान खान की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी के बारे में आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। बताना चाहेंगे लगभग 20 साल पहले की बात है, सलमान खान फैंस के बीच इस तरह घिर गए थे कि उनकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तब शेरा ने 8 किलोमीटर पैदल चलकर सलमान खान को सुरक्षित निकाला था। और अब अगर सैलरी की बात करें तो शेरा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल रहता है। सबने कुछ न कुछ अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि शेरा की सैलरी कितनी है, लेकिन बताते चले ये हमारी आपकी सोच से कहीं ऊपर है। बताना चाहेंगे सलमान को सुरक्षा देने के बदले शेरा हर महीने लगभग 15 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपए सालाना। हालांकि सलमान खान को सिक्योरिटी देने के बाद भी शेरा का दूसरा बिजनेस भी है, शेरा की खुद की सिक्योरिटी कंपनी भी है। और तो और पहले शेरा भारत आने वाले विदेशी सेलिब्रिटी को सुरक्षा मुहैया कराते हैं। वही दूसरी ओर भाईजान भी शेरा को काफी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। शेरा के बेटे टाइगर ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान की फिल्म सुल्तान में काम किया है। खबरों की माने तो सलमान ही टाइगर को लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल टाइगर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सलमान खान जल्द ही अच्छी स्क्रिप्ट के साथ शेरा के बेटे टाइगर को लॉन्च कर देंगे।